तेरी मिट्टी में। यार भाई एक हफ्ता हो गया ना हमने खाना खाया ना पानी पिया, ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे यार, ऐसे तो हम लोग बॉर्डर पे नहीं लड़ पाएंगे। सिर्फ इन लोग को हमारी याद 15 अगस्त 26 जनवरी इन्हीं दिनों पे आती है। तेरी नदियों में भाई यहाँ यूनिट वालों ने हमारे लिए ना कोई सिग्नल भेजा ना कुछ, पिछले 3 दिनों से पता नहीं ये लोग कहाँ पे हैं। और यहाँ हमारा नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा है, हम लोग ऐसे तो भूख से मर जाएंगे। एक जवान नहीं दिख रहा है आसपास, पता नहीं सब कहाँ रह गए हैं। मेरे बच्चे ये बॉम्ब वहाँ पर पहुँचा के। जी जनाब। जय हिंद। जय हिंद जनाब, आपके यूनिट से खाना आया है। उधर पानी लेके आता हूँ लोग खाते हैं। भाई मुझे ये इंसान सही नहीं लग रहा है, अगर आर्मी वालों ने खाना भेजा होता तो कोई सिग्नल भेजते जरूर। कुछ नहीं यार, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इस वजह से उन्होंने तार नहीं भेजा होगा। मैं पानी तो बोतल दे, मैं पानी लेके आता हूँ। ओ वतनामे मेरे वतनामे। जनाब काम हो गया है। कुर्बान हुआ तेरी। जनाब जो आपने टिफिन बॉक्स में बम दिया था वो मैं जवानों तक पहुँचा चुका हूँ। बहुत सही, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब पूरा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में होगा। जी जनाब। इतना लेट हो गया, वो अभी तक नहीं आया, तब तक मैं ही देख लेता हूँ क्या है खाने में। एक तरफ मेरा मित्र है, एक तरफ मेरा वतन। अगर मित्र को बचाता हूँ तो वतन खतरे में, और वतन को बचाता हूँ तो मित्र खतरे में। लेकिन इन देशवासियों की जान हमसे ज्यादा प्यारी है, आज अपने दोस्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी। नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की यार। भारत माता की जय। केसरी। बहुत देर हो गई है उसको आने में, अब मैं भी थोड़ा सा खा लेता हूँ। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है।